जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखा जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने ईष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे आरती की। हर घर में आरती की जाती है, सुबह और शाम आरती की जाती है, लेकिन आरती करने के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। आरती किस नियम के अनुसार करनी चाहिए, आरती कितनी बार करनी चाहिए, आरती की कितनी बत्ती होनी चाहिए, क्या अखंड ज्योति से आरती करनी चाहिए, आरती किस प्रकार करें कि हमारे घर का वातावरण भक्तिमय हो जाए, हमें शुद्ध फल की प्राप्ति हो और हमें हमारी पूजा का पूरा फल मिले, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम कर रहे हैं ये पूजा में, जब हम ईश्वर की पूजा के बाद आरती करते हैं तो उसके जो कुछ नियम और कुछ सही तरीके हैं, क्या हम उनका पालन करते हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं, क्या हमें हमारी पूजा का पूरा फल मिलता है, आपके सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में। तो ये कहा जाता है कि जो आरती है, जब हम पूजा में आरती के माध्यम से, जिस माध्यम से हम दैवीय शक्ति को पूजा स्थल तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है, यानी कि हमारी जो पूजा है वो दैवीय शक्तियों तक आरती के माध्यम से पहुंच जाती है। तो क्या आरती को बैठ के करना चाहिए? नहीं, संभवतः आरती को खड़े होकर ही करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य खराब है तो अवश्य बैठ सकते हैं। सनातन परंपरा की बात करूं तो ईश्वर के लिए जो हम आरती करते हैं उसका बहुत महत्व है। किसी भी मंदिर में या घर में जब हम आरती करते हैं ना, सुबह और शाम दो टाइम आरती करते हैं हम, तो हमारा मन जो परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है। दरअसल आप स्वयं भी आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब हम आरती करते हैं तो एक लय में करते हैं, एक स्वर में करते हैं, गा गा कर करते हैं। उस समय में कुछ ध्यान नहीं रह सकता। हो सकता है पूजा के समय हमारा मन इधर उधर थोड़ा भटकता हो, मंत्र जाप में भी मन भटक सकता है, परंतु आरती में नहीं भटकता, क्योंकि एक तो घंटी की ध्वनि बजती है, दूसरा दीपक घुमाते हैं और तीसरा हम अपने मुँह से लय में गाते हैं। तो इसलिए आरती को ये भी कहा जाता है कि आरती करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। मतलब किसी भी पूजा कथा को अगर हम करते हैं और आरती नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हमें नहीं होता है। देवी देवताओं की जो पूरी कृपा है वो बरसती है जब हम आरती गाते हैं। आरती को निराजन भी कहते हैं। पुराणों में भी आरती की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि यदि कोई मंत्र नहीं आता, कोई पूजा नहीं आती, आपने भगवान के सामने दीपक जलाया और एक आपने आरती गा दी श्रद्धापूर्वक, तो आप समझिए कि आपका जो अनुष्ठान है वो पूरा हो गया। सुबह शाम जैसे आप आरती करते हैं, आपको कुछ नहीं, बहुत घरों में बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हम वर्किंग हैं तो, या कि बच्चे छोटे हैं रोने लगेंगे, तो बस आरती कर लो, घंटी बजाइए, दीपक जलाइए, आरती। आरती में जो बत्ती लगाते हैं वो भी बता दूं कि प्रतिदिन की पूजा में एक बत्ती से आरती करते हैं, पाँच बत्ती से भी कर सकते हैं, सात से भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन वो संभव नहीं है, तो इसलिए एक बत्ती से आरती भी काफ़ी होती है जो हम डेली की पूजा में करते हैं। और आपको आरती करते समय जो भी आप करें, किस प्रकार से आपको आरती करनी है उसका भी एक बताती मैं आपको, कि सबसे पहले जो आपके आराध्य देव हैं उनके चरणों की तरफ से आरती शुरू करनी चाहिए। चरणों की तरफ से चार बार आपको आरती को घुमाना होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर ले जाइए, नाभि की तरफ से आपको दो बार आरती को घुमाना, अंत में मुख की तरफ से घुमाकर और फिर इस तरह करते हुए नीचे लाना होता है। सात बार आरती को इस तरह से घुमाना होता है। कभी भी जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ आरती करने का मौका मिलता है, तो बहुत जल्दी जल्दी किसी के सिर के ऊपर से भी आरती लेते हैं, ऐसा कदापि ना करें। आरती उसी स्थान पर रहनी चाहिए, आप दूसरे स्थान से आएं और उसी स्थान पर खड़े होकर आरती को श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। एक मीठे स्वर में, एक लय में आरती को गा कर करते हैं, और जब आप घर की आरती कर लें तो उसके ऊपर थोड़ा सा जल फेर दिया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं कि थोड़ा आरती को हमने शांत कर दिया, और वो जल फिर सबके ऊपर भी छिड़क दिया जाता है। जब आरती पूरी हो जाती है तो हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करते हैं, ये तो सभी जानते हैं, सब दो हाथों से आरती को ग्रहण करके अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर, अपने गले पर, अपने हृदय पर लगाते हैं, जिससे कि हमारे मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सब कुछ भक्तिमय हो जाए और ईश्वर को सब कुछ समर्पित है, इस तरह से कहते हुए करते हैं। और आरती के पश्चात जो भी कोई भूल चुक हुई हो उसकी क्षमा याचना जरूर ही करनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप आरती करते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे, कुछ भी लिखे लेकिन लिखे जरूर, ईश्वर आपकी मदद करें।